हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको तोरण पट्टी या ऐसी पट्टी क्रोकेट की बनाना बता रही हूँ, जिससे आप बेडशीट के रूप में यूज़ कर सकते हैं इसे ज्वाइन करके, या साइड में इसके फ्लावर अटैच करके टेबल का क्लॉथ, स्कार्फ या बेडशीट बना सकते हैं। मैं आपको छोटा सा पैटर्न अभी बता रही हूँ इस पट्टी का बनाना, बाद में मैं आपको टेबल क्लॉथ बनाना और तोरण बनाना भी बताऊंगी। ये मैंने 22 स्टिचेस डाली हैं, प्लस 3 हम और ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें डबल क्रोकेट बनाना है। फिर हम 3 इनको स्किप करेंगे और 2-5 को करने के बाद 6 वाले में हम एक डबल क्रोकेट बना रहे हैं। देखिए, फिर उसके बाद हम 2 चेन लेंगे और 1-2 स्किप करेंगे, थर्ड वाले में हम एक डबल क्रोकेट बनाएंगे। इसके बाद मैं 9 चेन में और डबल क्रोकेट बनाऊंगी, यानी ये बीच का हिस्सा होगा जो 10 डबल क्रोकेट हम बनाएंगे। 10 डबल क्रोकेट के बाद हम 2 चेन लेंगे और 1-2 स्किप करेंगे, थर्ड वाले में हम अपने क्रोकेट को डालेंगे। फिर 1-2 चेन लेंगे और देखिए 1-2 स्किप किया, ये थर्ड वाला है हमारा लास्ट, और इसमें हम क्रोकेट डालकर डबल क्रोकेट बना। इसके बाद हम 3 चेन लेते हुए टर्न कर देंगे साइज, और हमें 2 चेन एक्स्ट्रा लेना है जो गैपिंग का होगा, 5 चेन। उसके बाद डबल क्रोकेट बनाना है सेम इसके ऊपर। फिर हम गैपिंग के 2 चेन लेंगे और एक डबल क्रोकेट बनाएंगे। एक डबल क्रोकेट बनाने के बाद हम फिर 8 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारी जो सेकेंड रो है, 8 चेन लिया मैंने। फिर इस लास्ट वाले में हम डबल क्रोकेट बना लेंगे, ये देखिए। फिर उसके बाद हम 1-2 चेन लेकर ये वाले हिस्से पे डबल क्रोकेट बनाएंगे। इसमें 2 चेन की ही गैपिंग है और रेगुलर हमें 2 चेन लेकर ही गैप को फिल करना। 1-2 चेन, ये साइड में हम गैप को भी फिल कर ले रहे हैं। ये इस तरह से कम। फिर हम क्या करेंगे, 3 चेन, 1-2-3 और गैपिंग के लिए 1-2-5 चेन लेकर टर्न कर लेंगे, फ्रंट की तरफ आ गए, फ्रंट में डबल क्रोकेट बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन लेंगे हम, अब यहाँ पर 10 डबल क्रोकेट बनाएंगे। 1, ये जो 8 चेन लिया है वहाँ हमें 8 डबल क्रोकेट बनानी है, और जो साइड के 2 डबल क्रोकेट है उसके ऊपर हमें रेगुलर डबल क्रोकेट बनाना है, सेम उसी तरह जैसे मैंने पहले बना रखा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप फिर काउंट भी कर लीजिए, ये देखिए 3, 6, 8, ये 9 हो गया और 1 ऐड करके 10। साइड के 2 डबल क्रोकेट्स, ये देखिए यहाँ हो गया। इसको हम इस तरह कर लेंगे तो ये पूरी एरिया को कवर कर लेगा। फिर हम 1
चेन बनाएंगे और अब हम इस वाले के ऊपर डबल क्रोकेट बना देंगे और दो चेन बनाएंगे। फिर साइड वाले में 1, 2, 3 थर्ड को में इंसर्ट करेंगे डबल चेन क्रोकेट के लिए। फिर हम देखें यहाँ डबल क्रोकेट। अब हम ऊपर की तरफ क्या करेंगे, सेम उसी तरह आपको 2, 3, 4, 5 लेना है कॉर्नर में चेन और टर्न कर दीजिए। यहाँ पर आइए, डबल क्रोकेट बना लीजिए, फिर 2 चेन बनाइए और ये साइड वाले के डबल क्रोकेट बनाइए। अब 8 चेन बनाइए और जब वापस की आएंगे हम फ्रंट की तरफ, तब इसे हम इस पर 8 डबल क्रोकेट की फिलिंग करेंगे। ये हो गया हमारा, देखिए। फिर 2 चेन 1, 2 फिर हम 1 डबल क्रोकेट लिए। ये ऊन हमारा थोड़ा सा फंस गया है। 1, 2 चेन लिया, फिर हमने 1, 2, 3 थर्ड वाले में इंसर्ट किए और फिर आपको ऊपर 5 चेन लेना है और डबल क्रोकेट बनाना है। सेम ऐसे ही पट्टी को देखिए कंप्लीट करनी है। और अगर आपको हमारा ये पैटर्न बनाना पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्रिएशन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।